फ्रेंड्स, आज का वीडियो आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि यहाँ पे इस वीडियो में मैं आज आपको कुछ ऐसे टिप्स बताने वाला हूँ। अगर आपका चैनल मोनेटाइज है तो आपको पता ही होगा एडसेंस से आपको एक ईमेल आया होगा और वो हर महीने किस तारीख को आपको मिल जाता है अगर आपका $100 कंप्लीट हो जाता है। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जिनका पेमेंट लास्ट मंथ का भी पेमेंट रिसीव नहीं हुआ है या फिर उनको मेल रिसीव नहीं होता है, तो मैंने ऑलरेडी उसके लिए 2 से 3 वीडियो बना के रखे हैं। वीडियो के डिस्क्रिप्शन आपको लिंक मिल जाएगा, आई बटन में भी आपको लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ पे जाके चेकआउट जरूर कर सकते हैं। तो फ्रेंड देखिए, यहाँ पे 2 से 3 कंडीशन ऐसी हो जाती है कि जिससे आपका पेमेंट रुक जाता है, होल्ड पे हो जाता है या फिर थोड़ा लेट आता है। लेकिन पेमेंट आपका अगर रिलीज हो चुका है तो 100% आपके बैंक अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगा। तो आपको यहाँ पे क्या क्या गलती नहीं करनी है ताकि आपका जो पेमेंट है वो होल्ड पे हो जाए। तो फ्रेंड देखिए, जब भी आपके एडसेंस से आपको ईमेल आएगा, आपको हर महीने किस तारीख को आपको ईमेल रिसीव हो जाएगा। लेकिन अगर आपको अपना बैंक अकाउंट चेंज करना है या फिर उसमें कोई भी चेंजेस आपको करना है तो आप 21 तारीख से पहले चेंजेस कर सकते हैं ताकि आपका जो अकाउंट में पैसा है वो अच्छी तरीके से ट्रांसफर हो जाए। तो फ्रेंड्स, कुछ बंदे ऐसे हैं जो अपने चैनल पे कुछ गलतियां कर लेते हैं, अपने एडसेंस अकाउंट में थोड़ा बहुत चेंजेस कर लेते हैं, इसी वजह से उनका जो पेमेंट है वो होल्ड पे चला जाता है या फिर कुछ महीने बाद अगले महीने उनका पेमेंट रिसीव होता है। तो आपको सबसे पहले क्या गलती नहीं करनी है, देखिए आपको पता ही है कि किस तारीख को आपका मेल आ जाता है एडसेंस की तरफ से कि आपका जो पेमेंट है वो रिलीज कर दिया गया है। कुछ इस तरीके का मेल आपको देखने को मिलेगा। कुछ बंदे इस वजह से कंफ्यूज रहते हैं कि हमारा जो एडसेंस से बैलेंस है वो कट गया है लेकिन हमें ईमेल रिसीव नहीं हुआ है, तो क्या हमारा पेमेंट आएगा या नहीं आएगा। देखिए, मैं आपको यहाँ पे एक चीज क्लियर कर देता हूँ, जब भी आपके एडसेंस अकाउंट से आपका जो बैलेंस है वो डिडक्ट हो जाता है, इसका मतलब आपका जो पेमेंट है वो रिलीज हो चुका है। तो आपका अगर बैंक अकाउंट सही है, अगर आपने अपने बैंक अकाउंट में हर चीज सही से फिलअप की है, तो आपका जो पेमेंट है वो 1% आपके बैंक अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगा। लेकिन कई बार प्रॉब्लम ये आती है, जो नए बंदे जिनका चैनल मोनेटाइज फर्स्ट टाइम हुआ है और फर्स्ट टाइम उनकी पेमेंट आने वाली होती है, उनके साथ ज्यादा प्रॉब्लम देखने को मिलती है कि वो अपने एडसेंस के अकाउंट में थोड़ा बहुत चेंज कर लेते हैं या फिर बैंक अकाउंट डिटेल सही से नहीं फिलअप कर पाते। तो आपको सबसे पहले करना क्या है, सबसे पहले आपको IFSC कोड और SWIFT कोड, ये दोनों चीजें ऐसी है जो आपको सही तरीके से फिलअप कर लेनी है। उसके लिए भी मैंने ऑलरेडी वीडियो बना के रखा है कैसे हम IFSC कोड या फिर SWIFT कोड डालेंगे, तो वो वीडियो आप चेकआउट कर जरूर कर लीजिए। देखिए, दूसरा प्रॉब्लम क्या आता है, जिनका हमेशा रेगुलर पेमेंट आता है और कुछ टाइम ऐसा होता है कि उनका जो पेमेंट है वो डिले हो जाता है या फिर होल्ड पे चला जाता है, कुछ टाइम बाद या अगले महीने उनका जो पेमेंट है वो रिलीज हो जाता है। लेकिन वो बंदे यहाँ पे गलती क्या कर लेते हैं, वो अगर जैसे मान लीजिए आपका जो पेमेंट है हर महीने उसी बैंक अकाउंट में आता है जो आपने पहले से डाल के रखा है, लेकिन बहुत से बंदे ऐसे हैं कंफ्यूजन में वो वहां पे बैंक अकाउंट चेंज कर देते हैं, क्योंकि आपको पता है यूट्यूब पे इतने ज्यादा एडसेंस अकाउंट, थोड़ा पेमेंट ट्रांसफर करने में 1-2 दिन या फिर 10 दिन तक मैक्सिमम लग जाते हैं। अब देखिए फ्रेंड, दूसरे केस में क्या होता है, मान लो आपका चैनल मोनेटाइज है और आपके 10 से 15 पेमेंट या 2 से 3 पेमेंट आपके ऑलरेडी आ चुके हैं, आपने जो फर्स्ट टाइम अपना बैंक अकाउंट फिलअप किया है। लेकिन कुछ बंदे ऐसे हैं कन्फ्यूजन में आके वो अपने बैंक अकाउंट को चेंज कर लेते हैं या फिर कोई भी चेंजेस कर लेते हैं, उनको ये लगता है कि यार मेरा जो पेमेंट है वो होल्ड पे चला गया, फिर डिले हो गया है या शायद मेरा पेमेंट नहीं आएगा। अब देखिए, मान लीजिए आपके रिसेंटली या फिर आपके पिछले 2 पेमेंट आपके सेम बैंक अकाउंट में आए हैं, तो आपका जो 3rd पेमेंट है या 4th पेमेंट जो भी आगे आने वाला पेमेंट है वो आपके उसी बैंक अकाउंट में आएगा, तो आपको उस बैंक अकाउंट में कोई चेंजेस नहीं करने हैं। कई बार ऐसा होता है कि कोई टेक्निकल इश्यू हो जाता है या फिर आपको पता ही है कितने पेमेंट ट्रांसफर करने होते हैं वो भी वायर मेथड से, तो आपका जो पेमेंट है सही तरीके से पिछले महीने आपको रिसीव हुआ है, तो अगले महीने भी या फिर इस महीने भी आपका जो पेमेंट है वो 100% आपके अकाउंट में आएगा। लेकिन आपको बैंक अकाउंट चेंज नहीं करना है। तो फ्रेंड्स, अगर आपको बैंक अकाउंट चेंज करना है तो आप 21 तारीख से पहले कर लीजिए, क्योंकि 21 तारीख को अपडेट हो जाता है और 21 तारीख को आपके पास मेल आ जाता है आपका जो पेमेंट है वो 21 तारीख को रिलीज कर दिया जाता है आपके बैंक अकाउंट में, उसे 3 दिन बिजनेस डेज के अंदर आपका जो पेमेंट है वो आपके बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया जाता है। तो फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर लिए, क्योंकि आपको यहाँ पे ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो देखने को मिलती रहेंगी।